दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। स्किन टोन के बारे में ये वीडियो है, आप वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं मेरी पेंटिंग की शुरुआत करूँगा बर्न टम्बर कलर से। ड्राइंग को थोड़ा क्लियर करने के बाद ब्लू में वाइट ऐड करके जो आँखों वाला पोर्शन है उसको मैं कलर करूँगा। उसके बाद स्किन टोन बनाएंगे। तो ऑरेंज कलर में मैंने ऐड किया है वाइट कलर। दोस्तों बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। लाइट टू डार्क इस टेक्निक से मैं ये पेंटिंग कंप्लीट करूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर आप बिगनर्स हो, पेंटिंग सीखना चाहते हो, स्किन टोन के बारे में जानना चाहते हो, उसको अप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के ज़रिए आपको मिले, यही मेरी कोशिश है। दूसरा जो मैंने शेड बनाया है नियॉन ऑरेंज में वाइट ऐड किया है। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा मैंने लेमन येलो कलर भी ऐड किया है। ये सब नज़दीकी शेड्स है दोस्तों, 4 या 5 कलर यूज़ करके मैं ये सब शेड्स बनाने वाला हूँ स्किन टोन के लिए, जिसे आपको भी आसानी से समझ में आए। और आप भी कोशिश करके देखिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस के ज़रिए कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आपको उसमें वाइट और बाकी शेड्स, बाकी कलर्स ऐड करते जाना है रेफरेंस के हिसाब से। ये लाइट स्किन टोन वाली लेडी है तो उसके लिए ये मैं सब शेड यूज़ कर रहा हूँ। डार्क स्किन टोन के लिए आपका जो कलर्स है वो डिफरेंट रहेंगे। यहाँ पे मैं लेमन येलो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो लेडी है उसने जो साड़ी पहनी है वो येलो कलर और नियॉन पिंक कलर की है, तो उसका रिफ्लेक्शन जो फेस पे आ रहा है वो दिखाने के लिए ये नियॉन पिंक कलर है, वही शेड में मैं ऐड कर रहा हूँ मिडल टोन के लिए। आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं फर्स्ट फिलिंग में बहुत सारे स्किन टोन बना के वो अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये डार्क टोन के लिए मैं बर्न सीना कलर ऐड कर रहा हूँ नियॉन पिंक कलर में। ये जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ ये कैनवास के ऊपर है। अगर आप बिगनर्स हो, कैनवास पे पेंटिंग करना चाहते हो और कैनवास की साइज़ स्मॉल है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मीडियम ग्रेन या ऐसा कैनवास यूज़ करें जिसके ऊपर टेक्सचर कम रहता है, इससे आपको कलर ब्लेंड करने में आसानी हो और डिटेल्स वर्क भी आप अच्छे से कर पाओ। पेपर से कंपेयर करूँगा तो मेरा जो पेंटिंग है कैनवास पे जल्दी हो जाता है। ये विंसन न्यूटन का फ्लैशिंग कलर है जिसमें मैं नियॉन पिंक कलर ऐड करके ये शेड बना रहा हूँ। दोस्तों 3 टाइप के ब्रांड में यूज़ करता हूँ मेरे एक्रेलिक पेंटिंग के लिए। एक तो पीडी लाइट है, कैमल है और विंसर न्यूटन। ज़्यादातर मेरे जो कलर्स है वो कैमल के ही रहते हैं, लेकिन कुछ शेड्स ऐसे भी हैं जो दूसरे ब्रांड में अच्छे मिलते हैं, जैसे कि विंसर न्यूटन का फ्लैश टिन कलर है या पीडी लाइट में मैं कुछ फ्लोरेसेंट कलर यूज़ करता हूँ। और जो ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिंथेटिक हेयर ब्रश है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो नज़दीकी शेड्स में बना रहा हूँ उसमें नियॉन पिंक ऐड करते हूँ मैं, या नियॉन ऑरेंज, वाइट, लेमन येलो, यही सब शेड में कम ज़्यादा ऐड करके, मतलब कई बार मैंने वाइट ज़्यादा ऐड किया है लाइट के लिए और दूसरा शेड कम, या कई बार मैंने मिडल टोन के लिए दूसरा शेड ज़्यादा ऐड किया है उसमें वाइट कम ऐड किया है। तो ये फर्स्ट फिलिंग है, उसके बाद फेस को राउंडिटी लाने की मैं कोशिश करूँगा और जो सॉफ्टनेस है वो भी वैसा ही रखने की कोशिश करूँगा जैसे रेफरेंस में था। गाल के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेडी रहती है उसकी गाल पे थोड़ा सा हल्का सा मेकअप रहता है, तो वो भी पेंटिंग में दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने ऐसा किया है।
नोज़ के यहाँ पे अभी डार्क टोन के लिए मैं बर्नसेना कलर यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करने की गलती ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पेंटिंग भी एडवांस लेवल की लगे या प्रोफेशनल लगे, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि नोज़ के यहाँ पे मैंने बर्नसेना कलर यूज़ किया, मैंने अभी तक ब्लैक कलर नहीं यूज़ किया है। वैसे तो पेंटिंग लाइट है, लेकिन जो हेयर वाला पार्ट है, बाल है, उसके लिए भी मैं ब्लैक कलर नहीं यूज़ करूँगा दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे मैं बर्नट अम्बर कलर यूज़ कर रहा हूँ। ड्राई ब्रशिंग बहुत ही अच्छे से होती है कैनवास पे, सिंथेटिक हेयर ब्रश से करना है। ये कैमल का सिंथेटिक हेयर ब्रश है, फ्लैट ब्रश, नियॉन पिंक कलर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, साड़ी में जो शेड है, यहाँ पे मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, बाद में मैं डिटेल्स करूँगा। यहाँ पे जो स्किन टोन के लिए, जो बैक के लिए मैंने शेड यूज़ किए हैं, फेस में थे वही यूज़ किए हैं, लेकिन फेस पे थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है। बैकग्राउंड भी आपको पेंटिंग को सुटेबल ही लेना है। बहुत बार ऐसा होता है, पेंटिंग तो आप अच्छे से कर लेते हो, बाद में आपको कन्फ्यूजन होता है कि बैकग्राउंड के लिए कलर कौन सा यूज़ करे जो पेंटिंग को सही जस्टिस करे या अच्छा लगे पेंटिंग ओवरऑल। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि ओवरऑल पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे। यहाँ पे मैं डिटेल वर्क कर रहा हूँ। ये कैमल का सिंथेटिक हेयर ब्रश है, 000। लेमन येलो में वाइट ऐड करके जो लाइट वाला पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ। तो बहुत ही कम शेड में मैंने ये पेंटिंग कंप्लीट किया है स्किन टोन के लिए। इस बार मैंने सैबग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, सिर्फ आईब्रो वाले पार्ट के यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन फेस पे स्किन टोन के लिए मैंने सैबग्रीन नहीं यूज़ किया, क्योंकि जो रेफरेंस था उसके हिसाब से जो साड़ी का रिफ्लेक्शन है फेस पे आ रहा था, जिसके लिए मैंने लेमन येलो और नियॉन कलर्स यूज़ किए। तो आप भी इस पेंटिंग को करने की कोशिश करें, ट्राई करें। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है दोस्तों। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।